so beautiful, so elegant, just looking like a व्हाइट लाइट्स हैं, येलो लाइट्स हैं, पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही हैं और अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आए हैं किंग अब्दुल्ला पार्क रियाद का। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है जिसके बारे में मुझे बताया गया कि आप ज़रूर अंदर जाएं। यहाँ आने का सबसे जो खूबसूरत टाइम है, जो यहाँ का जो टाइम रिकमेंड किया गया, वो रात का टाइम, यानी इस वक्त यहाँ पर आया जाए, क्योंकि अंदर लाइटिंग है, फाउंटेन है। मैंने गूगल भी किया था, देखा भी था, लेकिन मुझे इसके बारे में बताया भी गया कि जब आप मगरिब के बाद यहाँ आएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हुए होते हैं, तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। अब इस पार्क के अंदर जाऊँगी और ख़ुद भी एक्सप्लोर करूँगी, आप लोगों को भी बताऊँगी कि ये पार्क अंदर से कैसा है। अच्छा, तो यहाँ आप जब आएंगे तो आपको टिकट परचेज करना होगा। 1150 का ये एक टिकट है, 1150 रियाल टिकट ले ली है। अब अंदर चलते, तो अंदर हम आ चुके हैं। ये एंट्री है इसकी और अच्छा है, खूबसूरत है। अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि मज़ीद कितना हसीन है ये पार्क। यहाँ पर सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है और बहुत अच्छे से हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो खूबसूरती जो है उसमें, मतलब ज़ाहिर है चांद अगर लगाने हैं तो सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। फैमिलीज़ वहाँ बैठी हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेकर आए हैं, लोग खा पी रहे हैं। अभी और आगे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या है। जाता है ये सामने मैं सऊदी फ्लैग देख सकती हूँ ऊपर बहुत हाइट पे। इस तरफ भी जाऊँगी और कुछ वीडियोस यहाँ पर भी मैं शूट करूँगी। अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये इंतहाई ऊँचाई पे बड़ा सा ये फ्लैग जो कि सऊदी फ्लैग है यहाँ पर लगा हुआ है। खैर, अभी मैं वेट कर रही हूँ कि यहाँ पर कब फाउंटेन शो स्टार्ट होगा और मैं उस शो को देखूँगी, देखती हूँ कि कितना खूबसूरत है। मैंने पिक्चर्स में देखा है तो उसमें तो बहुत प्यारा लग रहा था। अभी मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया, उसके बाद ये स्टार्ट होगा और फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, खुद भी देखूँगी। वैसे तो यहाँ पर कोई ख़ास स्टेयर्स नहीं है, लेकिन मैं अपने तौर पे एक कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊँ और ऊपर जा कर भी देखूँ कि जब हम इसके टॉप पर जाएंगे तो कैसा व्यू आएगा। थोड़ा आगे आ जाना, ऊपर जाके तो बहुत यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऊपर आकर भी इसका इसको कैप्चर करूँगी क्योंकि यहाँ से बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब कैमरा मैं खुद लूँगी और इसके ऊपर से ऐसे वीडियो बनाऊँगी ताकि मैं आपको भी दिखा सकूँ कि जब इसके ऊपर जाके बैठेंगे तो उसका व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ये ऊपर से आके आप देखें। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब हम मगरिब से पहले भी अगर आए तो ये खूबसूरत ही लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ फाउंटेन शो जो यहाँ होता है, मेरी सांस फूल रही है क्योंकि ऊपर आने में अच्छी खासी स्टेयर्स हैं जिनसे मैं ऊपर आई हूँ, तो अभी मैंने पानी भी पिया लेकिन मेरी सांस फूल रही है। इधर से देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा ही पार्क है अब्दुल्ला पार्क। हाँ, तो
यहाँ पे जब कभी आप रियाद आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। बहुत ही अच्छा पिक मैं क्योंकि ऊपर चढ़ के आई हूँ तो अभी सांस फूल रही है मेरी, ठीक से बात नहीं हो रही। मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, हवाएं चल रही हैं और देखें ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत मंज़र इस वक्त मेरी आँखों के सामने है। ठंडी ठंडी हवा है, मंज़र बहुत प्यारा है। बस अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जो फाउंटेन शो है वो भी मेरे होते हुए यहाँ पे स्टार्ट हो जाए ताकि मैं भी देख लूँ कि वो कितना खूबसूरत लगता है। मैंने पिक्चर्स में देखा था कि बड़ा ही कलरफुल सा था, मुख्तलिफ रंग थे। अब देखती हूँ जब ये स्टार्ट होगा तो उसके बाद मैंने आपको पहले भी कहा खुद भी देखूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी तो मेरे साथ साथ। हाँ, एक ट्रेन भी मुझे बहुत दूर से एक ट्रेन भी चलती हुई नज़र आ रही है। जब मैं करीब जाऊँगी तो तब वो ट्रेन खुद भी देखूँगी और आप लोगों को भी वो ट्रेन दिखाऊँगी कि उस ट्रेन में बच्चे भी बच्चे तो बैठ सकते हैं, फैमिली दिलाओ क्या है, सिस्टम क्या है, टिकट कितने की है, ये सारी चीज़ें भी देखती हूँ भी आगे जाके कि आगे क्या क्या है। मेरे कुछ कलरफुल सी लाइट्स मैं देख रही हूँ यहाँ पे ऑन हो चुकी हैं और कुछ ही देर में अब जो फाउंटेन शो है वो यहाँ शुरू होने लगा है। तो जो इंतज़ार था मेरा वो अब शायद ख़त्म होने लगा है और फाउंटेन शो शुरू होने में ऐसा लग रहा है बज़ाहिर मुझे कि कुछ ही देर है और कुछ ही देर में ये फाउंटेन शो शुरू हो जाएगा। तब तक मैं थोड़ा इधर उधर का व्यू आप लोगों को दिखाऊं कि देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। जो यहाँ पर हवाएं चल रही हैं ना वो भी बहुत अच्छी आ रही है। ये फाउंटेन शो स्टार्ट हो गया है जी। तो ये देखें थोड़ा सा गया, ये इसका स्टार्ट है और इसी तरह का मैंने फाउंटेन शो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने दुबई में भी देखा था बुर्ज खलीफा के साथ। ये इसका स्टार्ट है आगे तक है, यहाँ से लेके वो आगे तक आप देख सकते हैं। ये फाउंटेन शो ये देखिए कितना प्यारा लगा, याद आए तो अब्दुल्ला पार्क ज़रूर आए और आप भी मेरी तरह इतना ही इंजॉय करेंगे यहाँ पर जिस तरह मैं कर रही हूँ। अच्छा आज ये कहा जा रहा है कि ये फैमिली थोड़ी कम आई है क्योंकि जब वीकेंड होता है तो यहाँ फैमिली बहुत सारी आती है। अभी स्टार्ट होता है तो यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। आज इतना रश है, ये जगह है बच्चों के लिए यानी कि प्ले एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जंपिंग कैप्सूल भी हैं और बहुत कुछ है। यहाँ पर आगे जाएंगे तो स्विंग्स भी हैं, एक ट्रेन चल रही है यहाँ पर उसका भी राउंड कंप्लीट होगा तो शायद वो यहाँ से गुजरे भी। मैंने अभी देखा था उसको कि छोटे छोटे बच्चे उस ट्रेन में सवार थे और इस मौसम को इस एनवायरनमेंट को वो एंजॉय कर रहे थे। सामने मेरे मैं इसको देख सकती हूँ कोन है जहाँ पर आप आइसक्रीम कोन अपने लिए परचेज कर सकते हैं। एक स्टेडियम टाइप यहाँ कुर्सियाँ भी मुझे कुछ नज़र आ रही हैं। पूछा इसके बारे में मैंने तो मुझे पता चला कि यहाँ कुछ फुटबॉल के मैचेस भी होते। बहुत बड़ा ये पार्क है, बहुत ही ह्यूज है। इसको आज एक दिन में एक्सप्लोर करना मेरे खुद के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसमें अच्छा खासा आपको वॉक करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या है। इन शॉर्ट कि ये एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है रियाद का जिसे आज मैंने एक्सप्लोर किया। पूरी तरह से तो नहीं लेकिन जितना भी पोर्शन मैंने एक्सप्लोर किया मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। मेरे पीछे बहुत शोर हो रहा होगा क्योंकि ज़ाहिर है ये इस कैसल की वजह से क्योंकि अभी ऑन है। यहाँ पर बच्चे जो हैं
इस राइड का मज़ा ले रहे हैं। तो मैं थोड़ा इससे दूर हो जाती हूँ ताकि मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही तौर पे पहुँच पाए। कुछ लेडीज़ यहाँ पर बैठी हुई हैं, जेंट्स भी हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं और इस वक्त को, इस मौसम को यहाँ पर इंजॉय कर रही है। तो ये पार्क आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट के थ्रू बताना है। मेरे वीलॉग को आप लोगों ने देखना है, मेरे चैनल को करना है आप लोगों ने सब्सक्राइब। और मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।